हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय योर लाइफ पर। इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई मैच की पिच रिपोर्ट एंड वेदर फोरकास्ट की। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले वेन्यू है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, जिसको हिस्टोरिकली इकाना क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। लखनऊ का ये ग्राउंड है और यहाँ पर बात करेंगे T20 इंटरनेशनल्स के डाटा के साथ में ODI की सारे मैचेस जीते हुए हैं उसकी बात करेंगे, और साथ में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में जो 2021 के मैच हुए थे लास्ट चार मैच, उनका भी डाटा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप अच्छी टीम्स इस मैच के लिए बना पाएंगे, चाहे वो स्मॉल लीग टीम हो चाहे ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक्स लाने वाली टीम हो। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देख लेते हैं T20 इंटरनेशनल मैचेस की। तो देखिए 5 मैच यहाँ पे T20 इंटरनेशनल हुए हैं, जिसका बारे में हम बात कर लेते हैं पहले। तो दोस्तों पहला मैच हुआ था 2018 में, जिसमें भारत ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे 195 सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पे। वेस्टइंडीज़ 124 रन ही बनाए पाई थी 9 विकेट खोकर। पेसर्स को मिले 6 और स्पिनर्स को मिले 4 मैच या विकेट, ये था 2018 का मैच। इसके बाद 3 मैच हुए 2019 में, पहले में वेस्टइंडीज़ ने 164/5 बनाया और अफगानिस्तान 134 रन बना पाई 9 विकेट के नुकसान पे, ये मैच भी डिफेंड हुआ। पेसर्स को मिले 10 और स्पिनर्स को मिले 4 विकेट। फिर 2019 का दूसरा मैच, जिसमें अफगानिस्तान ने बनाए 147 रन 7 विकेट के नुकसान पे और वेस्टइंडीज़ बना पाई 106 रन 8 विकेट के नुकसान पे। 14 विकेट मिले पेसर्स को और सिर्फ एक मिला स्पिनर्स को, 2019 का ये भी मैच था। और फिर चौथा मैच जो था वो अफगानिस्तान ने बनाया 156 8 विकेट के नुकसान पे, और वेस्टइंडीज़ यहाँ भी 127 ही बना पाया 7 विकेट के नुकसान पे। 12 मिले पेसर्स को और 2 विकेट मिले स्पिनर्स को, 2019 का ये मैच था। इसके बाद एक मैच हुआ 2022 में, वो हुआ इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें इंडिया ने फिर बनाए 199/2, श्रीलंका 137/6 ही बना पाई और 6 मिले पेसर्स को और 2 विकेट में यहाँ मिले स्पिनर्स को। तो दोस्तों ये है लेखा जोखा। अगर आप बात करेंगे, देखिए वेस्टइंडीज़ वर्सेस अफगानिस्तान की जो सीरीज़ है उसमें आप देखेंगे तो 150-60 के रन बने हैं, लेकिन इंडिया ने जो 2 मैच खेले हैं दोनों में ही 190 प्लस का स्कोर इंडिया ने पहली पारी में बनाया। दूसरी बात जो नोट करने वाली है ये कि पाँचों के पाँचों मैच यहाँ पर डिफेंड हुए, मतलब पहले इनिंग में बैटिंग जो है वो थोड़ी सी ईजी है यहाँ पर, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट यहाँ पर बैटिंग जो है हो रही है। लेकिन देखिए ये मैच क्या है, ODI मैचेस हैं। स्टार्ट कब होंगे, दिन में 1:30 बजे और सेकंड इनिंग होते होते इवनिंग का टाइम हो जाएगा, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत ड्यू मैदान में देखने को मिल सकती है, और ये बड़ा मैदान है तो यहाँ पे ड्यू देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है और उसका बेनिफिट चेजिंग टीम को भी मिल सकता है। तो इस आंकड़े को बहुत ज़्यादा फॉलो मत कीजिएगा कि यहाँ पे डिफेंड होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो टीम अच्छा खेलेगी वो विन करेगी, चाहे वो पहले बैटिंग करे चाहे वो बाद में बैटिंग करे। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना चेजिंग टीम को बेनिफिट होगा ना टीम बैटिंग फर्स्ट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो बात करते हैं यहाँ पे 4 ODI मैचेस हुए हैं, जिसमें से मतलब हुए तो 3 ही हैं। एक मैच तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो लेटेस्ट था 2020 में होना था वो कैंसिल हो गया था, लेकिन उससे पहले के जो 3 मैच हैं उनका आंकड़ा आप देख लीजिए। अफगानिस्तान ने बनाए थे 194 ऑल आउट हुई थी, उसके बाद वेस्टइंडीज़ ने 197/3 बना के चेज़ किया था ये पहला ODI मैच। 6 विकेट मिले थे पेसर्स को और 5 मिले थे स्पिनर्स को, 2019 का ये मैच था। 2019 में ही एक और मैच हुआ जिसमें वेस्टइंडीज़ ने बनाया 247/9 और अफगानिस्तान ने उसको चेज़ नहीं कर पाई, 200 रन पे ऑल आउट हुई। 6 विकेट मिले पेसर्स को और 11 मिले स्पिनर्स को, 2019 का ही ये मैच था। और तीसरा मैच भी 2019 में हुआ, जिसमें अफगानिस्तान ने बनाया 249 रन 7 विकेट के नुकसान पे, और ये मैच चेज़ हो गया था, वेस्टइंडीज़ ने 253 बना लिए थे 5 विकेट के नुकसान पे। 6 मिले पेसर्स को और 6 मिले स्पिनर्स को। अगर ODI क्रिकेट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 18 विकेट पेसर्स को मिले और 22 विकेट स्पिनर्स को मिले। अगर बात करेंगे ऊपर T20 इंटरनेशनल की, वहाँ देखेंगे आप पेसर्स को बहुत ज़्यादा विकेट मिले, 48 मिले, और स्पिनर्स को सिर्फ 13। लेकिन ODI क्रिकेट में थोड़ा सा पिच के ऊपर ज़्यादा ओवर फेंके जाते हैं, थोड़ा सा पिच ब्रेक होती है, थोड़ा सा पिच ड्राई होती है, और यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प मिलनी फिर बाद में शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे स्पिनर्स मिडिल ऑर्डर्स में अक्सर ODI क्रिकेट में विकेट निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए ODI, क्योंकि मैच ODI ही होने वाला है, तो फिर स्पिनर्स को भी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। अब बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 2021 के लास्ट 4 मैचेस जो इस ग्राउंड पे खेले गए, अगर आप उनका आंकड़ा देखेंगे तो पंजाब ने बनाए थे 189/4, जिसके जवाब में उड़ीसा 129/7 ही बना पाया था। 4 मिले पेसर्स को, 6 मिले स्पिनर्स को। सेकेंड मैच ओडिशा ने बनाए 132 रन 7 विकेट नुकसान पे, और पांडिचेरी ने 136 बनाए 4 विकेट नुकसान पे, 5 मिले पेसर्स को 5 मिले स्पिनर्स को। उसके बाद पंजाब ने 145 बनाए 6 विकेट नुकसान पे, तमिलनाडु चेज़ किया 149/3, 5 मिले पेसर्स को और 2 विकेट मिले स्पिनर्स को। और लास्ट मैच जो हुआ था इस ग्राउंड पे 2021 में, उसमें महाराष्ट्र ने बनाए थे 177 3 विकेट के नुकसान पे, और वो गोवा सिर्फ 104 ही बना पाया था, ऑल आउट हुआ था। 5 मिले पेसर्स को और 6 मिले स्पिनर्स को, और यहाँ भी आप देखेंगे तो 19-19 विकेट दोनों ही टीम्स को दिखाई दिए।
अब दोस्तों यहाँ पे क्योंकि देखिए मैच होगा दिन में स्टार्ट 1:30 बजे ODI मैच है, तो दिन के टाइम आपको वैसे ही पता है थोड़ा सा स्पिन को पिचेस जो होती हैं वो थोड़ा सा जब दिन में धूप पड़ेगी कैडी तो थोड़ा सा पिच जो होगी वो ड्राई भी होती है और स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। तो स्पिनर्स को मैं आपको बोलूँगा पेसर्स के लगभग बराबर की ही वरीयता आप यहाँ दें। अच्छे स्पिनर यहाँ पे विकेट लेकर जाएंगे, चाहे वो केशव महाराज हो जो ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, और अगर इंडिया की तरफ से यहाँ से जो भी बॉलर खेलेंगे वो अच्छे स्पिनर अच्छी विकेट ले सकते हैं। बात करेंगे यहाँ से इन चार मैच के जो निचोड़ की निकलती है, वो निचोड़ क्या निकलता है दोस्तों कि बैटिंग विकेट होती है। इंडिया के दोनों ही मैच देखे हमने 195+ के स्कोर बनाए T20 क्रिकेट में इंडिया ने, तो यहाँ पे इंडिया की बैटिंग भी स्ट्रांग है, साउथ अफ्रीका की बैटिंग भी स्ट्रांग है, तो हमको ईजिली 180+ का टारगेट तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। चेज होने के चांसेस भी बराबर रहेंगे जितना यहाँ पर डिफेंड होने के रहेंगे, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मैटर आप यहाँ पर मान के मत चलिएगा। बाउंड्री साइज़ जो है यहाँ का अच्छा है, अच्छा खासा है, मतलब अगर स्ट्रेट बाउंड्री की बात करें तो वो इंडिया में लार्जेस्ट आप मान सकते हैं, तो अच्छी खासी बड़ी बाउंड्रीज हैं, उसकी वजह से भी स्पिनर्स को विकेट मिलने के चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखेंगे प्रेफरेंस की, तो सबसे पहले बैटिंग विकेट है, अच्छे बैट पर बॉल आती है। सेकेंडली यहाँ पे देखिए सीमर्स को हेल्प मिलेगी स्टार्टिंग में, उसके बाद डेथ में स्पिनर सीमर्स बॉल करते हैं उनको भी विकेट मिलने के चांसेस रहते ही हैं, और मिडिल ऑर्डर्स में यहाँ पे स्पिनर्स भी विकेट निकालते हुए दिख जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी टीम बनानी है। वेदर फोरकास्ट की बात कीजिए तो देखिए सुबह से जब तक मैच स्टार्ट होगा दिन तक, तब तक बारिश की संभावना यहाँ पे ना के बराबर है, लेकिन इवनिंग पे 6 बजे के बाद यहाँ पे बारिश की हल्की बौछार हो सकती है, उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों मैच प्रीव्यू वीडियो के लिए अगला वीडियो का वेट कीजिए, वहाँ पे आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 मिलेगी, प्लेयर के सारे स्टैट्स मिलेंगे, चाहे वो वेन्यू पे हो, कौन से प्लेयर इस वेन्यू पे अच्छा स्कोर करते हैं, कौन से बॉलर ज़्यादा विकेट लेते हैं, सब पता लगेगा, और साथ में प्लेयर मैचअप्स भी मिलेंगे, और हमारी ड्रीम टीम तो यहाँ पे आपको दी ही जाएगी। मैच प्रीव्यू वीडियो जो इसके बाद आने वाला है तो उसका वेट कीजिए, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी फाइनल टीम से खेलना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको सबसे ऊपर वाले कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।